Hello friends, I am Rashi, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed. College, Jaipur. I welcome you all on behalf of Guru KPO. Today, I will deliver my lecture on the topic Stages of Development, means Vikas ki Avastha. विकास की अवस्था. विकास की अवस्था जानने से पहले हम बात करेंगे व्हाट इज डेवलपमेंट. विकास क्या है? विकास, विकास में सामाजिक, शारीरिक, मानसिक पक्ष आते हैं. ये जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है. इसके अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को अनुभव किया जाता है, नापा नहीं जाता. विकास, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में अनुभव पैदा होता है, इच्छाएं पैदा होती हैं, विशेष योग्यता पैदा होती है आदि. अब हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं की. विकास की अवस्थाएं जो चार भागों में विभक्त की गई हैं. शैशव अवस्था, जो जन्म से 5 वर्ष की आयु के बालक होते हैं. बाल्यावस्था, जिसे हम चाइल्डहुड बोलेंगे, जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु के होते हैं. किशोरावस्था, एडोलेंस, जो 12 वर्ष से 18 वर्ष की आयु के होते हैं. और प्रौढ़ावस्था, जिसे हम बोलेंगे एडल्टहुड, जो 18 वर्ष के बाद की आयु होती है. अब हम बात करेंगे शैशव अवस्था की, मीन्स इन्फेंसी चाइल्ड की. इनमें कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे शारीरिक विकास तीव्र, कल्पना की सजीवता, सीखने की तीव्र प्रक्रिया, आत्म प्रेम की भावना. अब हम बात करेंगे शैशवावस्था की. शैशवावस्था क्या है? शैशवावस्था एक ऐसी अवस्था है जो बालक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. इसमें बालक 15 से 20 घंटे सोता है और 15 से 20 दिन के अंतराल में बालक का रंग स्थायी रूप लेने लगता है. इसमें यह बालक माँ के फीडिंग पर निर्भर होता है और यह बालक का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है. अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था की. बाल्यावस्था मीन्स चाइल्डहुड. इसमें भी कई विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे शारीरिक मानसिक विकास, मानसिक योग्यता में वृद्धि, जिज्ञासा प्रबल और रचनात्मक कार्यों में आनंद. बाल्यावस्था, बाल्यावस्था एक जीवन चलन प्रणाली प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है. इसमें बालक परिपक्व अवस्था तक अग्रसर होता रहता है. बालक में विभिन्न आदतों, रुचियों, इच्छाओं और नवीन बातों का ज्ञान होता है. अब हम बात करेंगे किशोरावस्था की, एडोलेंस. इसमें विशेष गुण पाए जाते हैं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, व्यक्तिगत मित्रता और व्यवहार में भिन्नता. अब हम बात करेंगे किशोरावस्था. किशोरावस्था क्या है? किशोरावस्था युवा अवस्था और परिपक्व अवस्था तक चलती रहती है. ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य संधि काल है. यह अवस्था की अवस्था बड़ी विडंबना होती है, क्योंकि इसमें बालक स्वयं को बड़ा समझने लगता है और बड़े बच्चे समझते हैं. यह अवस्था तूफान एवं संवेगों की अवस्था कहलाती है, क्योंकि इस अवस्था के बालकों में के शरीर के नसों में तेज तूफान और तेज ज्वार उत्पन्न होता है. अब हम बात करेंगे प्रौढ़ावस्था की, मीन्स एडल्टहुड. एडल्टहुड में कई विशेषताएं पाई जाती है, जैसे चुनौतियों में सक्षम, उत्तरदायित्व की भावना, तर्क शक्ति का विकास और जिम्मेदार नागरिक, समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक. प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक रूप से विकास होता है और मानसिक स्तर में विचारों एवं व्यवहारों में स्थिरता बनी रहती है और समाज के प्रति एक सुदृढ़ नागरिक बनता है. और ऐसे अवस्था में व्यक्ति समाज में होने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सक्षम होकर पूर्ण रूप से सामना करना पड़ता है. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी. फॉर फर्दर डिटेल्स प्लीज लॉग ऑन www.gurukpo.com.